झारखंड की तरफ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बुधवार की कार्यवाही के दौरान राज्य की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और हड़ताल पर गए रेसिडेंट डॉक्टरों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर राज्य में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस पर जवाब देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई और इस दिशा में सरकार जल्द फैसला लेगी। अब इसका क्या इलाज है जब आप सब लोग खुद बता रहे हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि आप सब लोग खुद जा कर के देख लीजिए, रिम जा के देख लीजिए, PMCH देख लीजिए, MGM जा कर के देख लीजिए, सब जगह पर। वो भी परसों से है, परसों तो हाफ डे था, कल फुल डे है, आज भी संभवतः फुल डे ही रहेगा। आपको वो कैसी हड़ताल समझ में आ रही है? जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेटबंदी हो गई? कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य का मुद्दा उठाकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, और क्या कुछ इस पर सामने निकल कर आ रहा है? कृष्णा, देखिए, स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर के पहले लगातार काला वीला लगा करके वहाँ पर काम कर रहे थे। जब सरकार नहीं सुनी तो उसके बाद वो हड़ताल पर गए। हड़ताल पर जाने के बाद वहाँ पर जितने भी OPD बंद हो गए हैं और वहाँ पर जितने भी मरीज हैं जो इलाज कराने आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज सदन में ये मुद्दा उठा तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखिएगा तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पर मरीज कह रहे हैं कि हम 8 दिन से लाचार हैं, यहाँ पर रोज आते हैं, घूम कर फिर वापस चले जाते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य ही नहीं है, जितने भी जब से इस सरकार का गठन हुआ है, अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री के घेराव घर का घेराव किए थे वहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी जो 7 साल से लगातार वहाँ पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य जितने हॉस्पिटल थे उसमें काम कर रहे थे, मगर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है बिना कुछ बताए हुए कि क्यों निकाला गया है। तो ये कोई पहली बात नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और जबकि डॉक्टर चले गए हैं तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 8 दिनों से कुछ वहां पर पेशेंट आए हुए थे, आज मीडिया से बात करते हुए कहे कि हम बहुत हमारी हालत खराब है, यहाँ पर आने पर OPD नहीं चालू है, कोई देखता नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा।